प्रगतिशील किसान पेश कर रहे मिसाल, नई तकनीक के साथ नए प्रयोग हो रहे सफल, बागवानी की ओर आकर्षित होते किसान, तरक्की की राह पर हरियाणा का किसान। कृषि और किसान, इसके बिना जीवन की कल्पना करना बेईमानी होगी। हर देश की तरक्की और विकास कृषि और किसान पर ही निर्भर करता है। ऐसे में सरकार का कृषि और किसान पर खास ध्यान देना जरूरी हो जाता है। एक समय था जब खेती करना बड़ा ही कठिन और मुश्किल काम था। अपना खून पसीना एक कर किसान किसी जमीन को खेती योग्य बनाता है, उसकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि एक बंजर जमीन में भी एक किसान अनाज पैदा करता है। समय के साथ साथ किसान भी जागरूक हुए और खेती में नई तकनीक को अपनाना शुरू किया। साथ ही सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए। नई तकनीक से किसानों को अवगत करवाया गया। आर्थिक तौर पर भी सरकार ने किसानों की मदद की। नतीजा यह हुआ कि किसान ने खेती में तरक्की की राह बनाई। अब का किसान पहले जैसा किसान नहीं। पहले कहीं ज्यादा मेहनत थी और कहीं ज्यादा लागत। ऐसे में सरकार द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर किसान ने परंपरागत खेती से मोह भंग किया और प्राकृतिक खेती और बागवानी पर ध्यान देना शुरू किया। आज हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके नाम के आगे प्रगतिशील किसान लगता है, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर खेती को फायदे का सौदा साबित किया है और दूसरे किसानों के लिए ये प्रगतिशील किसान उदाहरण बनकर उभरे हैं। इन्हीं में से एक किसान है यमुनानगर के मंडोली गाँव के विजय मेहता। परंपरागत खेती को बढ़ावा ना देकर केले की खेती पर खास ध्यान देने वाले विजय मेहता ने साल 2014 में 3 पेड़ों से शुरुआत की थी और आज 2200 से भी ज्यादा पेड़ों पर फल लग रहे हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे और पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए सरकार किसानों को नई स्कीमें चलाकर परंपरागत खेती छोड़कर अलग अलग खेती करने के लिए जागरूक कर रही है। विजय मेहता वो मेहनतकश किसान है जो कई दशक से गेहूँ धान गन्ने की फसल के साथ साथ अलग अलग तरह की खेती करते आ रहे हैं। साल 1990 से 94 में विजय मेहता ने यमुनानगर में सबसे ज्यादा 25 एकड़ में सूरजमुखी की फसल उगाई थी, जिसके चलते उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं साल 2014 से पहले जब उन्होंने एक बार मुंबई का दौरा किया तो रास्ते में उन्होंने केले के पेड़ खड़े हुए देखे और अपने खेत में 3 पेड़ लगाए, जिसके बाद फसल बढ़ती गई और आज के समय में उनके पास केले के करीब 2200 पेड़ हैं। उनका कहना है कि हर साल वो 1 एकड़ खेत में फसल लगाते हैं। हाल ही में उनके पास 3 एकड़ में केले की फसल खड़ी है। वहीं उन्होंने बताया कि केले की फसल पर लगभग 1 एकड़ पर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है और जितनी कमाई गन्ने की फसल से होती है उतनी ही कमाई हो जाती है। उनका कहना है कि कमाई के लिए नहीं बल्कि उनका शौक भी है अलग अलग तरह की खेती करना, जिसके चलते वो केले की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 11 महीने में फसल आती है। 1 एकड़ पर लगभग 10 किलो केले लगते हैं और ये केले पककर खाने के लिए नहीं बल्कि सब्जी बनाने और चिप्स बनाने के भी काम आते हैं। अभी तो सिर्फ 1 एकड़ में ही इस फसल को कर रहे हैं। ज्यादा एकड़ में करेंगे तो फिर ज्यादा कमाएंगे भी। परंपरागत खेती को छोड़कर दूसरी खेती करने के लिए जहाँ सरकार किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो यमुनानगर के एक ऐसे ही किसान हैं विजय मेहता, जो परंपरागत खेती को छोड़कर केले की खेती कर रहे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, करीब 3 एकड़ खेत में जो है इन्होंने करीब 2200 पेड़ केले के लगाए हुए हैं और ये कई सालों से 2014 से जो है लगातार केले की खेती करते आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो है विजय मेहता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये सोचा कि केले की खेती की जाए और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और कब से शुरुआत की। जी विजय मेहता जी, आपका स्वागत है हरियाणा। नमस्कार जी, मैं विजय मेहता बोल रहा हूँ मंडोली गाँव मंडोली से जी। ऐसा है कि मुझे कुछ अलग करने का मजा था। पहले कभी मैंने सूर्यमुखी में अलग किया था तो मुझे अवार्ड मिला था 1994 में। तब डायरेक्टर एग्रीकल्चर कमिश्नर एग्रीकल्चर यहीं पे हाजिर थे। मेरा कुछ शुरू से ही कुछ अलग करने का होता है, किसी की परंपरागत खेती से अलग होकर कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने मुंबई गया था, वहाँ रास्ते में मैंने देखा कि भाई ट्रेन में कि भी केले की खेती हो रही है और ऐसे लगाया जाता है, रिज पे लगाया जाता है। तब मैंने
वो अपने आइडिया से आके यहाँ पे, फिर मैंने सोचा पर सोचने में बहुत देर होगी सब। तब मैंने 12 में जो मुझे भगवान ने कहा भी तू काम कर, और 3 पेड़ दिए मुझे, 3 से 13 बनाए, 13 से 130 बनाए, 13 से 130 से आज मेरे पास 2200-2300 पेड़ हैं, ठीक है जी। और अब वो उसमें फल भी आ रहा है और चल भी रहा है। जैसे गेहूं की और धान की खेती की बात हो तो 4 या 3-4 महीने की फसल खेती होती है, तो केले की खेती कितने दिन? नहीं, केले की खेती तो एक बार ही लगा दोगे, ये तो गन्ने की तरह कटते रहता है, होता रहता है, पर इसकी देखभाल भी है। और जो कनक और धान लगाते हैं हम, उसमें तो हमें 6 महीने बाद पैसे आते हैं, ये हम रोज़ बेचते हैं, रोज़ आते हैं। तो मतलब कैसे आपने शुरुआत की इसकी खेती की, कितना पैसा लगा, एक एकड़ पर कितना खर्चा आता है? एक एकड़ पे लगभग 1,00,000 रुपये खर्चा आता है सारा जब शुरू करते हैं। तो उसके बाद भी जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, अपने तो छोड़ो क्या लगाएंगे, या जो बंदा मेरे पास लगा हुआ है उसके तो देनी तनख्वाह, चाहे ये करे चाहे वो करे, तो खर्चे तो बहुत आते हैं। पर मुनाफा लेखा गिनना घाटा पा, जो ये पंजाबी की कहावत है किसान का, अगर वो वही हमें उलझा रहता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई जे ठीक है, चेंज ऑफ क्रॉप हो रही है, अपना दाल रोटी अच्छी चल रही है, गन्ने के बराबर जो मुनाफा हो जाता है। तो बनता क्या है इस केले का? इस केले का जी सब्जी में काम आता है ज़्यादातर, 90% सब्जी में काम आता है। कुछ चिप्स बनते हैं, वो ज़्यादा साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में बिकते हैं, इधर ज़्यादा मार्केट नहीं है। 1-2 दुकानें खुली थी, वो बंद हो गई हैं। एक पेड़ से कितना लगभग फल उतर जाता है? एक पेड़ में एक साल में जब 11 महीने में निकलता है तो एवरेज में 10 किलो का पेड़, 9-10 किलो का उतरता है। वैसे 20 का भी आ जाता है और 5 किलो का भी आता है। तो इसको ऑर्गेनिक खेती कहेंगे? मैं तो इसको ऑर्गेनिक ही कहूँगा, पर मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मैं DAP डालता हूँ, देसी खाद डालता हूँ, मैं स्प्रे नहीं कोई। जैसे आपने ऑर्गेनिक की बात की विजय जी, तो इसमें कोई बीमारी आ जाए इस पेड़ में तो आती नहीं है। मतलब ये अगर आ जाए तो उसको पेड़ को काट देंगे, अव्वल तो आती नहीं है, अभी तक तो मैंने देखी नहीं। मच्छर आते हैं, उससे क्या होता है कि ये इसका पत्ता जो है वो डैमेज हो जाता है, पत्ता डैमेज होने की वजह से पेड़ को खुराक नहीं मिलती। जब पेड़ को खुराक नहीं मिलेगी तो फल छोटा आएगा। तो सरकार से कोई अनुदान है कि जिप्सम हमें दे, अगर सब्सिडी पे दे, नहीं फ्री दे, बाकी क्या लेना हमने। तो जैसे पेड़ खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसका क्या होता है? पेड़ खत्म होने के बाद ऐसा है कि हम तो इसको वेस्ट कर देते हैं। अच्छा। गाय में फेंक देते हैं, और साउथ इंडियन में इसका कागज भी बनता है। तो पत्ते का क्या काम होता है? पत्ते का जो इसके पत्ते हैं वो आजकल में रिसेंटली, कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है, इसकी होटलों में जा रहे हैं, वहाँ पे ये डिशेस के नीचे रखते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अन्य किसान हैं, जैसे परंपरागत खेती लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उर्वरक शक्तियाँ भी खत्म हो रही हैं खेतों की, उन किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की खेती करनी चाहिए? वो ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा, वैसे तो जो परंपरागत खेती करते हैं वो तो उनका अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा हल्दी भी लगाएं, क्या तो एक नाल में लगाएं, क्योंकि हल्दी एक बाज़ार में प्योर नहीं मिलती, ये मेरा दावा है। आप हल्दी लगाओ, अपनी घर की हल्दी होएगी, ठीक है, और हल्दी की तो खेती करो। इस केले खेती के साथ अन्य खेती भी लेते हैं आप? हाँ जी हाँ जी, पहले साल तो हम 6 महीने हम हल्दी लेंगे जी। हल्दी ये मई में बोई जाएगी जी। दिसंबर में कटेगी, और इसमें जून में जुलाई में केला लग जाएगा, इसमें लगता रहेगा, ये चलता रहेगा। दिसंबर में हल्दी पड़ने के बाद जनवरी में ये अरबी लगाई है, इसकी फर्स्ट टाइम लगाई है, सेकंड क्रॉप, देखो क्या होता है। तो पानी कितना मांगता है केले का पेड़? केले का पेड़ वैसे तो साउथ में तो जी ड्रिप इरिगेशन है, 5 लीटर रोज का पानी मांगता है, पर हमारे पास नहीं इतना ड्रिप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ रेजिडेंस नहीं है हमारे पास, और हम कोई फोर्टनाइटली एक पानी फेर खेत में, जैसे कनक वगैरह में छिड़ते हैं वैसे पानी देते हैं।
तो जिस तरह से सरकार मेरा पानी मेरी विरासत की भी एक योजना है, उसमें जो है कहीं ना कहीं कम पानी वाली खेती करने के लिए जो है किसानों को आग्रह किया जाता है। इसी तरह केले की खेती की बात करें तो इसमें भी पानी बड़ा कम लगता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक ही फसल की लगातार बुआई होने से कहीं ना कहीं जिस तरह से उर्वरक शक्तियाँ ख़त्म हो रही थी, तो जो विजय मेहता हैं उन्होंने किसान ने सोचा कि एक अलग से खेती की जाए, उन्हें ये शौक़ भी है कि वे अलग खेती करें, तो इसके चलते ही जो है इस तरह की खेती उन्होंने केले की यहाँ पर यमुनानगर में 3 एकड़ में की हुई है। इन्हें प्रगतिशील किसान भी कहना गलत नहीं होगा। किसान सदियों से परंपरागत खेती जैसे धान गेहूं आदि की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक खेती की निर्भरता मौसम पर अधिक रहती है, नुकसान का खतरा भी मंडराता रहता है। कुछ सालों से खेती में लगातार हो रहे नुकसान की वजह से कृषि क्षेत्र में किसानों को चिंता सताने लगी थी, लेकिन इसी बीच ऐसे किसानों ने हरियाणा सरकार की मदद से आशा की नई किरण जगाई है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार भी तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी बदौलत अब प्रदेश के प्रगतिशील किसान पूरे देश के सामने आय बढ़ाने का नायाब उदाहरण पेश कर रहे हैं।